आज देश भर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। उन्होंने बापू की दुर्लभ तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी ट्वीट किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा हूं। महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी चरखा गैलरी और बापू के निवास स्थान हृदय कुंज भी गए, गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। पीएम मोदी ने बापू पर लिखी माय लाइफ इज माय मैसेज किताब का भी लोकार्पण किया। पीएम ने साबरमती रिवर फ्रंट पर लगी स्वच्छता प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। पीएम मोदी ने बापू के राष्ट्रवाद को याद कर उन्हें नमन किया। पीएम ने बापू के नाम न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा है। मोदी ने लिखा है कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए था। गांधी जयंती पर संसद में भी बापू को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राहुल गांधी, कई मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती पर फिट इंडिया रन के जरिए स्वच्छता का संकल्प लिया गया। इंडिया गेट से खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2 किलोमीटर वॉक के जरिए सफाई अभियान चलाया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने देश भर में संकल्प यात्रा निकाली। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि बापू ने सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को झुकाया था। बापू की जयंती पर कांग्रेस ने पूरे देश में गांधी संदेश यात्रा निकाली है। दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर से राजघाट तक पद यात्रा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राजघाट पहुंची। सोनिया ने कहा कि कुछ लोग गांधी जी नहीं आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं। गांधी जयंती पर यूपी विधानसभा में विशेष सत्र रखा गया। बिना ब्रेक के 36 घंटे तक स्पेशल सेशन चलेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने स्वच्छता अभियान भी चलाया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी बापू को नमन किया। बापू की 150वीं जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाए गए। मुंबई में लोगों ने साफ सफाई के साथ स्वच्छता की शपथ ली। रायपुर में बच्चे बापू की वेशभूषा में दिखाई दिए। वहीं लखनऊ में रैली निकालकर प्लास्टिक बैन का संदेश दिया गया।